नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग शहरों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति खूब देखने को मिल रही है। भारत माता के जयकारे की गूंज सुनाई दे रही है और लोग आजादी के जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच लाल किले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। दरअसल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भाषण देंगे, देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके भाषण पर तो नजरें रहेंगी, लेकिन जिस तरह से आतंकी हमले को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में किस तरह से आतंकी हमले के अलर्ट के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चौकन्नी नजर आ रही थी और इसी लिहाज से लाल किले में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। यानी कि बिना इजाजत के एक पंछी भी लाल किले में पर नहीं मार सकता है, तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कड़ी सुरक्षा यहां पर होगी। कई लेयर की सुरक्षा यहां पर रहेगी, चेहरे की पहचान के लिए भी यहां पर कैमरे लगाए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में करीब 7,000 लोग शामिल होंगे। लाल किले के आसपास रिहायशी इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। एंट्री पॉइंट से लेकर अंदर तक कई स्तर की सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। चेहरे की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, यानी कि इनसे पहचान हो सकेगी। अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो उसकी जानकारी भी निकलकर सामने जरूर आएगी। तो सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, लिहाजा सुरक्षा कड़ी देखने को मिल रही है। लाल किले में प्रवेश वाले स्थान से लेकर अंदर तक कई स्तर पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। इसमें चेहरे की पहचान के लिए विशेष फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। सोमवार को स्मारक के आसपास 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक लाल किले पर सोमवार को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में करीब 7,000 लोग शामिल होंगे। स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराए जाने तक लाल किले के आसपास के 5 किलोमीटर के क्षेत्र को नो काइट फ्लाइंग जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अन्य सुरक्षा एजेंसियों के ड्रोन रोधी सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लाल किले पर और उसके आसपास हाई रेजोल्यूशन के सुरक्षा कैमरे लगाए गए हैं और उनके फुटेज की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इस बार समारोह में आमंत्रित लोगों की संख्या बढ़कर 7,000 हो गई है। किले के प्रवेश बिंदु पर भी FRS यानी कि फेस रिकॉग्निशन कैमरे तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लाल किला परिसर में लंच बॉक्स, पानी की बोतलें, रिमोट से नियंत्रित कार की चाबियां, सिगरेट लाइटर, ब्रीफकेस, हैंडबैग, कैमरा, दूरबीन, छाता और इस तरह की अन्य वस्तुओं की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में धारा 144 के प्रावधान पहले ही लागू कर दिए गए हैं। 13 से 15 अगस्त तक लाल किले पर कार्यक्रम के अंत तक पतंग, ड्रोन, गुब्बारे, चीनी लालटेन और मानव रहित उड़ने वाली वस्तु को उड़ाने की अनुमति नहीं है। इन्हें पकड़ने के लिए लाल किले पर रडार तैनात किए जाएंगे। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा पतंगों को पकड़ने के लिए 13 और 15 अगस्त को हर बीट में एक बीट सिपाही तैनात किया जाएगा। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। भागती दौड़ती जिंदगी, हर पल वक्त की चिंता, भीड़ में भी तन्हाई का एहसास, तब हम पहुंचते हैं आपके पास, लेते हैं आपकी खबर। बनते हैं आपकी आवाज, सोए को